समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी राजधानी लखनऊ में लाल बत्ती के गुंडों ने जमकर गुंडाई करने की कोशिश की है। सवाल ये उठ रहा है कि नेता तो मानने को तैयार है नहीं समाजवादी पार्टी के, उसके बाद अफसरशाही भी बेलगाम होती जा रही है, यानी कोल प्रखाज का काम कर रही है। शुक्ला जी, जी देखिए, मैं पिछली सरकार के इनकी बातों का जिक्र करना चाहूंगा जी कि आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र करते हुए एक लड़का जी मुश्किल से 18 या 20 वर्ष का रहा होगा, अपने कुछ साथियों के साथ एक सीओ को अपने गाड़ी पर आगे बोनट पर पूरे आधे शहर में घुमा डाला और उसने ले जाकर के एक जगह पटक दिया। तब पूरा पुलिस फोर्स पहुंचा, तब उसको पकड़ पाया, लेकिन उस लड़के को कुछ हुआ नहीं, उस पर एक डंडा भी नहीं पड़ा, एक थप्पड़ भी नहीं पड़ा। आज जो स्थिति है, पूरी समाजवादी पार्टी एकदम से गुंडों की पार्टी है जी। गुंडे ही इनको जैसे लाइसेंस मिल चुका है और उस लाइसेंस को ये इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि इसी गुंडई के आधार पर, इसी लाइसेंस के आधार पर यह पूरा जो समाज है, हम जिस प्रकार से चाहेंगे समाज चलाएंगे जी। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, सबको एक आशा जगी थी। आप लोगों को भी लगा होगा कि एक नौजवान आया है, निश्चित रूप से इसको मौका मिलना चाहिए। हम लोगों को भी लगा। शुक्ला जी, मैं इस एक बात समझना चाह रहा था। मैंने ओंकार सिंह जी से वो सवाल किया, लेकिन वो दूसरी दिशा में उनका उत्तर था। हम लोग थोड़ी चर्चा को गंभीर बनाएं, पुरानी घटनाएं नई घटनाएं तो हैं ही सामने। मुझे यह समझाइए, आपके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है उत्तर प्रदेश का, क्या समाजवादी पार्टी का गार्डर और पहली पंक्ति का नेतृत्व, वहां तक मुलायम सिंह जी को छोड़कर जितना नेतृत्व है, क्या सब लोग मिलकर इस अपनी पार्टी के नौजवान चेहरे का राजनीतिक भविष्य सिफर करने में लगे हैं? एक सवाल। और अगर इसका उत्तर है आपकी नजर में हां, क्योंकि सब घटनाएं अनायास नहीं हो सकती, यूं ही हो रही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यूं ही तो नहीं हो सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी की हैसियत का अंदाज मुझे है। और अगर हां, तो मुलायम सिंह जी बाकी सबको छोड़ भी दीजिए, वो तो उनके पिता हैं, दुनिया को चिंता हो ना हो किसी को अखिलेश जी के राजनीतिक भविष्य की, पिता को तो होगी ना। कोई मुझे यह समझाने की कोशिश करे कि नहीं नहीं वो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कोई बता रख नहीं ना। पिता पुत्र हैं, एक ही डीएनए है, और मुलायम सिंह जी ने 50 वर्ष राजनीति की, वो जानते हैं इस तरह की घटनाओं से क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। शुक्ला जी, अमिताभ जी, आपने जो कहा हां या ना, मैं हां कहता हूं जी। आज भी भले हम लोग विपक्ष में, उसके बावजूद भी चाहते हैं कि अगर एक नौजवान आया है तो निश्चित रूप से राजनीति में यह अच्छी बात है जी। जरूरी नहीं है कि 80 वर्ष के लोग राजनीति करें, लेकिन अगर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़कर के काम करना चाहिए। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के इस नौजवान मुख्यमंत्री को उसके पार्टी के लोग ही कहीं ना कहीं नाकाम बनाने पर लगे हुए हैं। क्यों? और जी क्यों? अगला सवाल क्यों? इसके पीछे मोटिव, इस नाते कि वह यह नहीं चाहते हैं। वो देखिए, उत्तर सबसे बड़ी बात यह ना कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, सरकार के मंत्रिमंडल में इतने लोग ऐसे ऐसे हैं जो विभिन्न विभाग लेकर के बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, और आज भी वह घर के मुखिया है, कहीं कहीं उस मुखियाओं की टीम में है। अच्छा ठीक है, कभी ध्यान दे देंगे। शुक्ला जी आपकी बात मानिए, अमिताभ जी एक मिनट जी। रामगोपाल जी का भी कभी बयान आता है कर्मचारियों के संदर्भ में कि वो इस बात को कहते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो इन कर्मचारियों को बता देता। कभी शिवपाल जी का बयान आ जाता है, कभी किसी का बयान आ जाता है। नहीं, आप लोग अपने घर में बैठ करके कि मुख्यमंत्री कैसे चला रहे इसकी नसीहत क्यों नहीं देते हो? शुक्ला जी, मैंने सारी बात मान ली, रामगोपाल जी की भी, शिवपाल जी की भी, बकार अहमद की भी, अहमद हसन की भी, आजम खान की भी, सबकी मान ली। मुलायम सिंह जी क्यों? अब मैं मुलायम नहीं, ये सवाल तो उठेगा। अगर इसका उत्तर आपने हमें दिया तब ये बड़ा सवाल उठता, और मुलायम सिंह जी सपा में अप्रासंगिक हो गए ये कहने का दुस्साहस तो कोई कर नहीं सकता आज।
आज वो शिथिल राजा नहीं है, ना वो बानप्रस्थ में जी। कुछ पीछे मैं जाना चाहूंगा, जब मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव के ही संदर्भ में जब पहला बयान उन्होंने दिया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता, ये मुलायम सिंह ने कहा था, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो बता देता कि शासन कैसे चलाया जाता है जी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जी, मैं समझा आपकी बात समझा। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब, समय भी कम है। अगर मुलायम सिंह, ये विचारों में मतभेद है। नहीं नहीं, एक सेकंड, विचारों में, विचारों में मतभेद। ओंकार जी एक सेकंड, अगर जैसा शुक्ला जी ने कहा, हमने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी नेताजी की, जिसमें उन्होंने कहा था भाई मैं होता तो 15 दिन में सुधार देता सब कानून व्यवस्था। फिर पत्रकारों से उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ भाई बोलो सुधार देता कि नहीं, एक हास प्रयास में बात आई। चलो हम उसको गंभीर नोट भी माने, तो जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो उस वक्त तो पार्टी का एक बहुत सशक्त धड़ा खुद ही मांग कर रहा था कि नेताजी आपका मान संभालिए, तब कहां हिचक थी। अगर मुलायम सिंह ने खुद ही शपथ ले लेते तो कौन रोक रहा था पार्टी में ओंकार जी, फिर ये स्थिति क्यों आई ओंकार जी? नहीं वो तो कोई उन्हें नहीं रोक रहा था, और वो अगर बनना चाहते तो उनको रोकने का क्या, हर आदमी उसका स्वागत करता है उनकी पार्टी में, क्योंकि पार्टी उनकी उनकी है। लेकिन उस समय जो अखिलेश का रोल था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कई लोगों के उन्होंने टिकट काटे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, कई लोगों को उन्होंने क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ने दिया। विचारों में मतभेद हो गया है बाप बेटे के, और उस विचारों के मतभेद की वजह से अखिलेश जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और मुलायम सिंह जी जो करना चाहते हैं वो उनसे करा नहीं पा रहे हैं। ओंकार जी, फिर भी ये बात गले नहीं उतरती कि क्या विचारों के मतभेद इतने बड़े हो सकते हैं कि कोई पिता अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगता देखे और मौन रहे? नहीं, उसका रीजन ये समझ है, नहीं समझ रहे हैं, सुनिए, वो ये समझ रहे होंगे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, ये जो सोच रहा है गलत है, लेकिन उसमें गड़बड़ी यही पर आ रही है कि उनकी बातों को वो अपने गले उतार नहीं पा रहे हैं। एक बार उनको कम से कम 6 महीने का मौका दे देते और उनकी कार्रवाई को देखते कि वो किस दिशा में जा रही है, तब उसके बाद भले ही उनको हटा देते चीफ मिनिस्टर से। अरे शुक्ला जी, ये पूरी भैंस पानी में क्यों गई? नहीं, हम लोग उन्हीं अंतर संबंधों पर बात करेंगे, बाकी सब ये पत्तियां हैं, इनको गिनने से कोई लाभ नहीं। पंडित सिंह क्या बोले, रामलाल विधायक क्या बोला, मोतीलाल ने जमीन कब्जा कर ली, सीतालाल ने, ये सिपाही ये बयान दे दिया, वो होमगार्ड, ये सब कुछ नहीं, मतलब नहीं। मेरा जो मूल विषय ठीक होगा तो सत्ता ठीक चलेगी, ये बात हम मानते हैं और जानते हैं जी। इंदिरा गांधी ने इस देश में सत्ता चला के दिखाई। अमिताभ जी, यहां पर रोकना चाहूंगा, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें जिनकी गुंडाई अपने चरम पर है, और अफसर शाही भी बेलगाम होती जा रही है। आपको नहीं लग रहा, आपको भी लंबा अनुभव रहा है, अफसरों को अपनी हद में रहकर काम करना चाहिए? जी, मैं अफसरों के बेलगाम होने की बात तो नहीं करूंगा, पर हाँ, इधर हाल में जो कुछ बयान आए हैं उससे संवेदन शून्यता से दिखती है, या संवेदनहीनता कहिए दिखती है, क्योंकि जिस तरह का बयान जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का था कि ठंड से लोग नहीं मरते, अगर ठंड से मरना होता तो लोग साइबेरिया में सब मर जाते, इस तरह का बयान, मतलब उनको न तो साइबेरिया के मतलब जिन हालात में लोग रहते हैं और जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हैं, और जिन हालात में मुजफ्फरनगर में लोग रह रहे हैं और जो सुविधाएं उन्हें नहीं उपलब्ध हैं, इसके बारे में या तो उनको सही जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी संवेदन की कमी है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो अफसरशाही को बेलगाम तो मैं क्या कहूं, बेलगाम तो बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेलगाम हो रहे हैं, जहां तहां वो जिसको चाहे मारपीट दे रहे हैं, पुलिस को धमका दे रहे हैं, कहीं जमीन हड़प ले रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें बेलगाम कुछ चीजें हो रही हैं, और कुछ चीजों में संवेदन की कमी दिख रही है। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि राहत शिविरों में लोग तड़पने को मजबूर हैं, आंसू बहाने को मजबूर हैं, उनकी तड़प दिखाई नहीं दे रही, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? जिम्मेदारी उन जनाब की है, वो जिम्मेदारी से भी वो बेपरवाह नजर आते हैं, लेकिन जब बात बयानों की होती है तो बयानवीर बनने में कोई गुरेज नहीं करते, और इस तरह से बयान जिस तरीके से देते हैं कि एक तो कोर उस पर से खाज का काम कर रहे हैं वो। जी हाँ, मतलब जो शिविरों में जो हालात हैं और उसका जो कुछ वर्णन प्रथम दृष्टया वर्णन में आया है, उससे तो यही लगता है कि इंतजामात में बहुत कमी है, और
लोग काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, खासतौर से इस ठंड में उन्हें और ज्यादा उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। जबकि राज्य सरकार कहती है कि हम इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अभी करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं, कौन खा रहा है या कौन इसका सदुपयोग कर रहा है भगवान जाने। परंतु लोगों की मुश्किलात तो अपनी जगह लगता है सही है, और मतलब सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें चले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी। प्रकाश सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, वक्त की बेहद कमी है। एसपी शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, 30 सेकंड का वक्त आपके पास। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उस स्थिति में आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री को स्वयं कमान संभालनी चाहिए जी, अपने पार्टी की भी और अपने अधिकारियों की भी। जो राहत शिविरों में है, भले ही दो एक विद्यालय बंद करना पड़े, उन विद्यालयों को बंद कर करके उसमें उनको ले जाना चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। बेहतर प्रबंध करना चाहिए ताकि वो भोजन पानी और दवाई इत्यादि मिल सके, बच्चों की जिंदगी बच सके, और ऐसे अधिकारी को तो तुरंत उस स्थान से हटा करके ले जाकर के कहीं राजस्व परिषद इत्यादि में हट जाना चाहिए, रख देना चाहिए, जहां एक बार वो देख लेंगे कि राहत शिविर राहत कैसे दी जाती है, तो किस किस विषय पर राहत दी जाती है। जैसा कि अमिताभ जी ने पहले कहा था कि हमें साथ दिया जाता, तो वो समझ जाएंगे तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देंगे। और अगर वो नहीं हटाया जाता है तो ये मान करके चलते हैं कि कहीं न कहीं सरकार उससे सहमत है, और ऐसी सरकार अगर असंवेदनशील है तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। ओंकार सिंह जी, 30 सेकंड आपके पास है। मेरे हिसाब से तो इनको हर हालत में किसी भी तरह से कार्रवाई करके जो शिविर के लोग ठहरे हुए शरणार्थी उनको अपने घरों पर वापस भेजना चाहिए, चाहे उसके लिए जितना भी पैसा सरकार को खर्च करना पड़े जी, तभी ये इस समस्या का समाधान हो पाएगा, और नहीं तो किसी भी सूरत में समाधान नहीं हो सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने विवेक के इस्तेमाल के साथ में ही उनको वो कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी के और पदाधिकारियों की बातों को न सुनते हुए जो सही हो उस पर फैसला करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, अगर ये नहीं करेंगे तो एकदम कमाने के हाथ से निकल। अमिताभ जी, लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने की बात समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर उनके बताए मार्ग पर मत चलिए तो हिटलर की राह को तो कम से कम मत चुनिए। नहीं नहीं, देखिए लोहिया और नरेंद्र देव और जयप्रकाश जी, वो बात आप छोड़ दीजिए, वो बात करिए नहीं, उनके नाम का उल्लेख भी आहत करता है, उनका अपमान होता है। वो बड़े लोग थे, बौनों का मजमा हो जहां वहां लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र देव की बात मत करिए, है ना। वो बड़े लोग थे, वो सूरज थे, यहां जुगनुओं की जमात थे। अब आज आप जो भारलाल जी की बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट के लोगों के सामने, नहीं ना, ऐसा मत जुल्म मत करिए, वो बड़े लोग थे। खैर, मैं फिर मूल विषय पर ही मेरा ध्यान वही केंद्रित है। समाजवादी पार्टी, ऐसा मैं मान नहीं सकता कि जितना हमको और शुक्ला जी को और ओंकार सिंह जी को दिखता है उतना मुलायम सिंह जी को समझ नहीं आता। ऐसी गुस्ताखी मैं कभी कर नहीं सकता, मैं निजी तौर पर उनको जानता हूं, और कम से कम उत्तर प्रदेश की नब्ज वो समझते हैं, ये भी जानता हूं, राजनीति जानते हैं वो। ऐसा नहीं, आज से राजनीति थोड़ी ना कर रहे भाई, जो हम जो देख रहे हैं दीवार पर लिखी इबारत मुलायम सिंह जी नहीं देख रहे होंगे, ये संभव नहीं जी। हम उसका परिणाम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहां, वो नहीं जानते होंगे, संभव नहीं। हर जिला हर शहर तो उनकी उंगलियों पर है, फिर ये संघर्ष क्यों? मूल सवाल जिस पर आज उत्तर में चाह रहा था, उस पर फोकस्ड बहस नहीं हो पाई आज, खैर किसी दिन उस विषय को अलग से लेके आएंगे हम। मूल सवाल ये, मुलायम सिंह कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, एनएफपी जेएनएफ गुंडई रोको, नहीं तो बाहर करेंगे सबको। दूसरे सेकंड इन कमान रामगोपाल यादव कह रहे हैं लूट खसोट कब्जा ये सब लुटेती छिलेती बंद करो जो आप लोग कर रहे हो, फिर भी नहीं बंद हो रहा। तीसरे कम शक्ति केंद्र शिवपाल जी कह रहे हैं ये भाई बिल्कुल बंद करो, चाल चलो सुधार लो सब लोग, और जो घुसपैठी है घुसाए हैं सरकार और पार्टी में ये बंटा ढार कर रहे हो, फिर भी चीजें सुधर रही। और जो जिसका राज तिलक हुआ, जो खुद राज सिंहासन पर है, वो भी कह रहा है कि अपना आचरण सुधारो भाई। तब आखिर इनके अलावा समाजवादी पार्टी है क्या कोई? अगर है तो मुझे उसका कोई विद्वान नाम बताए कि इन चार के अलावा फिर ये आदमी समाजवादी पार्टी है, या ये शक्ति समूह समाजवादी पार्टी है, और वो लोग समाजवादी पार्टी को अलग दिशा में हांक रहे हैं। दिशाएं तो इन्हीं चार से तय होनी है,
इसके बाहर कोई दिशा तय करने वाला है क्या पार्टी में, सरकार में? ठीक है, शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, इनके बाहर तो सब मोहरे हैं। कौन है? बकार अहमद तय करेंगे, आनंद सिंह तय करेंगे,